मैं तो कहता हूँ तुझे कोई गाड़ी ना मिले रास्ते में, रेड बम जरूर गिर जाए तेरे ऊपर। और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। तो आज हम लोग खेल रहे हैं तुम्हारे चहेते गेम एक्स प्रो भैया के साथ, यानी कि एलेजेट। दो टीम भैया मतलब जो चार चार की रहा है, ठीक है बात ये। अब देखो, हमारे साथ यहाँ पर उतरी थी दो टीम्स, और लेजिट ने पहले ही बोल दिया कि देखो चार चार किल दोनों बांट लेंगे आपस में, दोनों गेम प्ले बना रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पर रेस लगी हुई थी किल ज़्यादा कौन करता है, तो चलो देखते हैं कौन करता है किल ज़्यादा। वैसे लेजिट फॉर्म में चल रहा है आजकल, और मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ, तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। मैं कॉलेज का दरवाजा भी बंद कर दिया। ठीक है हेलो हेलो हेलो, गन ले ले भाई, कुछ नहीं कर रहा भाई, गन दे दे यार, गन दे दे ले, गन ले पकड़ ले, गन ले, मेरा टीममेट भी आ रहा है, इसको भी मार दे। क्या मत मार यार इनको, यार को कम भी आ रही है यार, मार बात मार बहन चोट को नीचे से है। ओ भाई इसको असर नहीं करेगी। हेलो हेलो भैया आजादी। यार ये लेजिट हमेशा ही करता है, नॉक होने के बाद ऑल पे माइक करके बंदों से दोस्ती करने की कोशिश करता है, और उसका टीममेट आगे उसको बजाता है, और इस केस में उसका टीममेट बहता। वेल जो भी हो, लेजिट को इधर क्लिप मिल चुकी थी, वो तो बड़ा खुश था, लेकिन अब बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारे बंदे थे जिनको मुझे मारना था। अब बस तुम लोग रेडी हो जाओ एक खतरनाक स्क्वाड क्लच के लिए। अब देखो तुम्हारे भाई ने दो नॉक निकाले थे और लो हेल्थ में पुश कर रहा था। ओ भाई, बाईजान में सिर्फ सात गोलियां बच रही थी। यहां पर मैं आया तो मेरे को फुटस्टेप आया। ओ भाई क्या ही मारा है, पूरी स्क्वाड को पूछो ही मत। यार तुम लोग भी कमेंट सेक्शन बताना कि तुमको लगा था कि मेरा नेड इतना परफेक्ट जाएगा। भाई मैंने तो डाला था, और बस मैं उम्मीद कर रहा था यार प्लीज 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 मर जाए, और वो मर भी गए। वेल जो भी हो, यहाँ पर मैं हेल्थ तक आ रहा था, हमारे लेजिट भैया उधर ही अटके हुए थे, पता नहीं किससे ही लड़ रहे थे। अब जानते हो ये गेम प्ले में तुम लोग को क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि बस देखना लेजिट इसमें किस तरीके से गिड़गिड़ा के समझ रहा प्रार्थना करेगा कि मैं मर जाऊं और मेरा गेम प्ले ना बने, बस तुम लोग देखते जाओ। अब देखो यहाँ पर मेरे को एक्सटेंडेड मिल गया था, लेवल टू की वेस्ट मिल गई थी, तो उजी का तो काम यहाँ पूरी तरीके से हो गया था, लेकिन इधर एक पूरी टीम आ गई। यार मैंने ऑलमोस्ट दोनों नॉक कर दिए थे। अब यार गेमबैक्स प्रो मुसीबत में थे तो उनको भी बचाना था, तो मैं भाग के उधर गया अपनी किल छोड़ के। डील अब यार इधर दोनों नॉक हो गए थे, तो मैं समझ गया कि जिनको मैंने नॉक करा था वो इनके टीममेट है, तो यहाँ पर मैंने रश करा और ये लेजिट को भी बता दिया कि मैंने कहाँ पर नॉक करा था, और भाई वो बंदा आ रहा है किल चुराने। अब क्या ही होगा यार, तुम लोग देखते जाओ बस। भाई मतलब देख रहे हो चलो कैसे बेट कर रहा है मेरे को। आमतौर पे जब सीढ़ी वाला ऊपर चढ़ता है ना, तो नीचे वाला फौरन पीक देता है, लेकिन इसने नहीं दिया और मेरे को एकदम नॉक होने की हालत में छोड़ा था। वेल जो भी हो, यहाँ पर किसी तरीके से मेरे को लूट मिल गई, और उसके किसी तरीके से क्या मिल गई, मतलब उनको मारा था और मेरे को लूट मिल गई ढेर सारी। अब यहाँ पर हम लोग जो है इधर उधर भाग रहे थे, मतलब जिनको भी मारा था लूटा तो था नहीं, तो एक एक बॉडी ढूंढ के हम लोग को लूटना था, जो भी बचा कुचा सब उठाना था। अरे
अब देखो फाइनली यहाँ पर पूछिंग की तो क्लियर हो गया था, लेकिन बाहर से एक गाड़ी आई। अब देखो लेजिट कॉल थी कि दो बंदे उतरे और मेरी कॉल थी कि मेरे को एक बंदा दिखाए, तो यहाँ पर अपन कंफ्यूज थे क्योंकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एनिमीज नहीं पता था हमको। अब यहाँ पर लेजिट ये पूछ रहा था कि वहां पुश कैसे करना है, मैंने कहा मेरे पास एक प्लान तो है बट थोड़ा टाइम लगेगा तो होल्ड करियो। अब पता नहीं क्यों पहली बार लेजिट ने ही मेरे को बेट करा और मेरी बात सुनी उसने होल्ड करा, जिससे मेरे को एक मौका मिला ओपनिंग निकालने का। मैंने लेजिट से बोला देखो कुछ भी हो, जब मैं तेरे को कॉल दूं खुले में पुश कर दियो, मैं तेरे को कुछ होने नहीं दूंगा, बचा लूंगा। अब यहां पर मेरे को एक बंदा दिखा तो मैं उधर ही पीक दे रहा था, लेकिन किसी और ने मेरे को पीक दी। अब यहां पर मैंने लेजिट को बोला पुश कर, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग वहां दो ही बंदे थे, लेकिन तभी एक ने पीक दिया तो मैंने एक और नॉक करा। लेजिट को बोला बेटा अब तो घुस जा, एक बच रहा। और यार ये स्कोप ग्लिच, यार कुछ सोल्यूशन बताओ इसका भाई, मैं इसकी वजह से कितने गेम प्ले में मर चुका हूं, मैं बता नहीं सकता। स्प्रे देते देते साला एडीएस बंद हो जाता है और दोबारा एडीएस करो तो फिर बंद हो जाता है, बहुत दिमाग खराब होता है। वेल जो भी हो, यहाँ पर तीनों को ठोक दिया था, लेजिट को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वहां पर तीन बंदे थे। वेल जो भी हो, तुम लोग कमेंट सेक्शन बताना कि तुम्हारे भाई ने कितना बढ़िया दिमाग लगाया। वेल अब यहाँ पर देखो करने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन तभी एक बॉट का साउंड आया हमको और हम दोनों पागलों की तरह उसके पीछे भागने लगे। अब ये तो मेरे हत्या चढ़ गया, लेकिन यहाँ पर लेजिट का जरा कमीना पना देखना। यहाँ पर हमारे पास अच्छी खासी गाड़ी थी जिसमें फ्यूल भी डिसेंट था, लेकिन इसने बगी प्रेफर करी। जानते हो क्यों? क्योंकि हमेशा इसलिए बगी चूज करता है कि जो पीछे बैठा है वो मर जाए और ये अकेले क्लच करके गेम प्ले बना ले। बहुत डबल है बंदा, बस देखते जाओ तुम। ये मेरी डबल स्ट्रेटेजी है, अगर बच गए तो भी हम किल लेंगे, अगर तुम मर गए तो भी मेरे लिए अच्छा। अब चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कोई इतनी आसानी से मरने वालों में से है नहीं, तो लेजिट भैया का ये प्लान कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है नहीं। लेकिन अब जाना था हमको वहां पर जहां चली थी फ्लेयर। यार मेरे को लगा था उसने रोकी ही गाड़ी। अब देखो यहाँ पर हम लोग आए थे फ्लेयर लूटने और जल्दी से यहाँ से जाना था क्योंकि सामने की तरफ एक और फ्लेयर चली थी। लेकिन जरा यहाँ ध्यान से सुनना, ये भाई सब प्रेशर की वजह से समझ में नहीं आया फायर कहाँ से हुआ, दोनों गलत डायरेक्शन में भाग गए और दोनों मर गए। यार भाई छोड़ ही दो, वेल इतने खतरनाक तरीके से हम लोग मरे हैं, तो अभी तक तुम लोग ने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो और वीडियो लाइक भी कर लो। वेल तुम्हारे भाई ने एक नॉक जरूर करा था, लेकिन इस बंदी ने पूरी अपनी गन खाली करके मेरे को नॉक कर दिया। अब यहाँ पर लेजिट भैया को हमको बचाना था। अब लेजिट मेरे को नीचे बुला रहा था और मेरी नीचे जाने में बट रही थी, मैं कह रहा था भाई ऊपर आ जा, फर्स्ट एड भी पड़ी है। अब देखो फाइनली मैं नीचे आ गया और यहाँ पर मेरे को मिल रहा था रिवाइव और लेजिट एक फर्स्ट एड भी गिरा दी, मतलब आज बंदा कुछ ज्यादा ही हेल्पफुल हो रखा। अब देखो मेरी गन में गोलियां नहीं थी और लेजिट मेरे को रश करने के लिए बुला रहा था और लकली मेरे को यहाँ पर गोलियां मिल गई। अब मेरे पास हेलमेट नहीं था वो अलग बात है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने एक बूस्टर लेने की सोची और जरा देखो बूस्टर कैंसिल कब होगा, भाई ऑलमोस्ट लग गया था।
वेल यहाँ पर लेजिट मतलब लड़ रहा था और मैं नहीं चाहता वो नॉक हो जाए। ओके तो फाइनली ये स्क्वाड निपट गई, लेकिन साइड वाली बिल्डिंग से एक पूरी स्क्वाड आ गई। अब यहां पर मैं लेजिट को रिवाइव दे रहा था और भाई फुटस्टेप हमारे करीब आ रहे थे धीरे धीरे। अब देखो यहां पर स्क्वाड के मैंने तीन गिरा दिए थे, एक बच रहा था अभी भी, तो मैंने लेजिट से बोला कि साइड वाली बिल्डिंग में अभी भी एक बंदा है, तो अब यहां पर हमको रश करना था लेकिन थोड़ा वेट करके, क्योंकि वो हमारे लिए अभी रेडी होगा और हमारी हेल्थ बिल्कुल भी रेडी नहीं है लड़ने के लिए। अब ये बंदा कहीं और से आया था, ये साइड वाली बिल्डिंग वाला बिल्कुल भी नहीं था, तो इसको हमने लूटा। अब यहां पर मैंने लेजिट कॉल दी कि भाई लास्ट वाली बिल्डिंग में एक बंदा बच रहा होगा अभी भी, चल रश करते हैं। फिर क्या दे रही थी, रश करा हमने, हमने क्या, मैंने एटलीस्ट रश करा। अब यहां पर उसने बाइक स्टार्ट करी और भाग ही रहा था कि तुम्हारे भाई ने पेट दिया। अब देखो यहां पर बंदे बच रहे थे और मैंने लेजिट को कहा कि भाई ऑफिस की तरफ बंदे हैं, लेकिन लेजिट कहना था नहीं चलते हैं, ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। ये देखो मैंने मार्क भी लगाया। अब यहां पर लेजिट जा रहा था लूटने, है ना, मैंने कहा नहीं वो सही जगह नहीं है लूटने के लिए लेजिट, लेकिन वो माना नहीं। देख रहे हो, यही कह रहा था मैं भाई, ये बंदा इतना रेकलेस होके खेलता है ना, पूछो ही मत। अब देखो यहां पर हमारे मरने के चांसेस 100% है, बस फर्क इतना है, देखना ये है कि कितनों को लेके मैं मरता हूं। अबे एक तो सामने से नेट आ रहे हैं, बंदे फायर कर रहे हैं, प्लस ये बॉट अलग दिमाग का आ रहे भाई, क्या ही सिचुएशन थी। यहाँ पर मैं समझ गया था मैं मरने वाला हूँ, कभी भी मेरे ऊपर एक पूरी स्क्वाड रश करने वाली थी इधर मैं मर जाता, लेकिन यहाँ पर मैंने हेल्थ लगाई, लेजिट को मैं बचाना चाहता था, बट प्रॉब्लम ये थी कि स्मोक जैसे उसने गिराया वैसे एक बंदे ने पुश करा और तभी एक नेट भी फटा जिसकी वजह से लेजिट जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, तो वहाँ मैं कुछ कर नहीं सकता था। अब देख रहा हूँ मतलब हर तरफ से बंदे आ रहे हैं यार, मैं किधर किधर मारूँ। अब देखो यहाँ पर मैं जानता था कि मैं उठ के भाग नहीं सकता, तो मैं किसी तरीके से उठते बैठते घिसते यहाँ तक आया, क्योंकि बंदे सी बिल्डिंग के छत पे लेटे हुए थे अभी भी तीन या चार, तो यहाँ पर मैं किसी तरीके से भाग आया। मैं तो कहता हूँ तुझे कोई गाड़ी ना मिले रास्ते में, रेड बम जरूर गिर जाए तेरे ऊपर, मैं कहता हूँ तेरा इंटरनेट चला जाए। भाई मतलब देख रहे हो कैसे बददुआएं दे रहा है ये, और गाड़ी जब मेरे को मिली तो क्या ही रिएक्शन दिया इसने। मैं कहता हूं सही है, और उन लोगों को सब्र का फल मिले।
आय हाय हाय, अरे लेजिट इतना बुरा सोचते यार तू। बस जो भी हो, यहाँ पर मैं गाड़ी लेके आया, इस स्क्वाडों से मेरे पर गंदी फायरिंग हुई, और बस जरा यार लेजिट की खुशी देखना। यस यस।